आज जो है हम लोग का देवघर पूरा बंद था क्योंकि श्री प्रधानमंत्री जी आए थे। तो मेरे घर में बहुत ज्यादा चम्मच यूज होता है। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री माता जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आप सबको मेरे चैनल में और एक बार स्वागत है। और अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय, तो आप लोग भी चाय पी लिए होंगे? नहीं, आप लोग चाय नहीं पिए हैं। आप लोग तो अभी दोपहर का टाइम होगा, तो आप लोग खाना खा के या ये दूसरा कुछ भी काम कर रहे होंगे, लेकिन हम तो अभी चाय बना रहे हैं यहाँ पे क्योंकि इवनिंग टाइम है। चाय तो शाम को ही बनता है और मॉर्निंग में ही बनता है सबके घर में। तो चलिए अभी से मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। चाय पत्ती में बहुत ज्यादा चाय रह जाता है, तो चम्मच से अगर इस तरह दाब देंगे तो जितना भी एक्स्ट्रा चाय होता है सारा निकल जाता है। सबको पता ही होगा, फिर भी हम बोल देते हैं। ये गिलास में सिर्फ हम ही पानी पीते हैं, इसीलिए बार बार जो है साबुन से नहीं धोते, बस ऐसे ही नॉर्मल एक बार धो के रख देते हैं ताकि बाद में फिर पी सके। और कोई दूसरा कोई आकर इसमें नहीं पानी पिएगा क्योंकि सबको पता है ये मम्मी का गिलास है और यहीं पे हम रखते हैं गिलास, इसीलिए हम पानी से सिर्फ वॉश करके रख देते हैं और रात को हटा देंगे। जैसे कि रात को जब खाना खाते हैं लास्ट होता है उस टाइम पानी पीना, तब हम माँच के फिर रख देते हैं, फिर सुबह से स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए अभी चाय पीते हैं। चलिए रूम में जाके चाय पीते हैं। कुसुम आई है, डेढ़ घंटा पहले ही आई है, डेढ़ घंटा या दो घंटा पहले ही आई है। आज जो है हम लोग का देवघर पूरा बंद था क्योंकि श्री प्रधानमंत्री जी आए थे, तो सब कोई जो है घर में ही था। और कुसुम गई थी कॉलेज और आई है करीब साढ़े पाँच बजे आई है। पानी लेकर नहीं गई थी क्योंकि सबको जो है ग्रुप में मैसेज भी आया था, सबको बोल भी रहा था कि पानी लेके जाए कि नहीं जाए। अगर पानी लेके जाएगी तो फिर बैग जो है बैग भी लेना पड़ता या कोई भी झोला टाइप का कुछ लेना पड़ता, तो इसीलिए जो है सोची कि नहीं लेंगे, लेकिन इतना लेट होगा पता नहीं। 11:30 बजे घर से निकली थी, मतलब 12 बजे से पहले कॉलेज में पहुँचना होता है, और आई है 5 बजे। और आने के बाद फिर हम उसको खाना दिए, खाना खाई, अभी बैठी है और सांझ बाती हम दिए हैं, सांझ बाती दे दिए हैं, बस चाय पी लेते हैं उसके बाद फिर खाना बनाएंगे रात को। मैगी बनाएंगे, चाय, चूरा भुजा, जो फ्राई किया हुआ जो चूरा रहता है वो खाएंगे तब भी चम्मच लगेगा। उसके बाद
चाय गर्म करते हैं तब भी चम्मच, मतलब एक चम्मच अगर एक बार यूज कर ली उसको फिर नीचे यहीं पे रख देते हैं, फिर दूसरा चम्मच वहीं से निकाल लेते हैं। ऐसे करते करते बहुत सारा चम्मच हो जाता है। ज्यादा चम्मच है इसलिए ज्यादा यूज होता है, अगर एक दो चम्मच रहता तो एक दो चम्मच ही यूज होता। जितना बर्तन उतना ही काम। चलिए अभी यहाँ पे जो है बर्तन धुल गया है सारा, अभी खाना खाने के बाद फिर बर्तन होगा, लेकिन अभी खाना नहीं खाएंगे, अभी तो बच रहा है 8:30। अभी हम चावल बनाएंगे। अब बनाएंगे चावल और सब्जी है, सब्जी नहीं बनाएंगे। फिर जमा होना स्टार्ट हो गया, जैसे कि चाय बनाए थे, चाय का ये कटोरी, उसके बाद छोटा छोटा बर्तन, ये सब तो होता ही है। जाया कुछ देर पहले बनाई थी मैगी, इसमें बनाई थी तो इसमें लगा हुआ है, इसको भी धो देते देंगे। अभी हम लोग खाना खा लिए हैं और थोड़ा सा बाहर अभी टहलेंगे, उसके बाद सो जाएंगे। तो कल सुबह आप सबसे फिर मिलती हूँ, अभी के लिए वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, कल सुबह नया वीडियो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। नाश्ता बना रहे हैं, यहाँ पे रोटी और यहाँ पे बड़बड़ी और आलू। बड़बड़ी मतलब बोरा, शायद बोरा ही बोला जाता है, बोरा और आलू का सब्जी बना रहे हैं और रोटी। तो नाश्ता बना लेते हैं, उसके बाद आप सबसे बात करेंगे। आप सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। रोटी सब्जी बन गया है और कुसुम नाश्ता कर ली है और किसी का पापा भी दुकान लेके चले गए हैं, और हम यहाँ पे सूजी और दही को थोड़ा सा फूलने के लिए रखे हैं। इसका इडली बनाएंगे, सूजी का इडली। 2 दिन पहले भी बनाए थे, लेकिन उस दिन हम चटनी बनाए थे, सांबर नहीं बनाए थे। तो जोया हमको बोल रही थी कि सांबर के साथ खाएंगे, बहुत जिद कर रही थी उस दिन, तो हम उस दिन नहीं बनाए थे। और उस दिन जो है सांबर मसाला भी नहीं था और दही जो है रखा हुआ था, तो सोचे कि चलो बना देते हैं आज, और सांबर मसाला कल लेके आए हैं। और यहाँ पर जो है अभी हम थोड़ा सा बैठे हैं, क्योंकि बहुत देर खड़े रहने से पाँव में जो है थोड़ा सा दर्द जैसा होने लगता है, तो इसी वजह से जो है अभी हम यहाँ पे बैठे हैं। सूजी का इडली बनाएंगे, साथ में सांबर बनाएंगे, मसूर डाल के साथ ही बनाएंगे सांबर। सांबर बनाने के लिए कौन एक दाल होता है, चना दाल जैसा ही लगता है, उससे बनता है, लेकिन हम जो है मसूर दाल के साथ ही बनाते हैं, अच्छा लगता है उसके साथ भी। तो यहाँ पर जो है मसूर दाल थोड़ा सा पानी में फूलने के लिए रखे हैं, ये जो है सांबर में जाएगा, और यहाँ पर हम मसूर दाल थोड़ा सा फूलने के लिए रखे हैं। ये वाला जो है चावल के साथ खाने के लिए बनाएंगे, अभी तो रखे हैं। वो चावल के साथ हम दोपहर में भी बना सकते हैं या शाम को भी बना सकते हैं, लेकिन देखेंगे कब बनाते हैं। फिलहाल अभी पानी में रखे हैं, तो अभी जो है हम इडली सांभर बनाने के बाद लगता नहीं है कि कोई दोपहर में चावल खाएगा, क्योंकि रोटी भी रखा हुआ है, देखते हैं जैसा होगा। ओखन के केटे और पिकट फैले दे। और अभी जो है हम सत्तू पियेंगे और रोटी नहीं खाएंगे, सत्तू पियेंगे बस। सत्तू पीने से हमको अच्छा लगता है,
लेकिन राजदीप करेगा थोड़ा सा बदमाशी। बदमाशी मतलब वो अभी रूम में ही है, सुन लेगा तो फिर गुस्सा करना शुरू कर देगा। तो राजदीप शायद बदमाशी कर सकता है, ये सांभर हम नहीं खाएंगे, लेकिन फिर भी हम उसको सांभर के साथ ही ये वाला देंगे। और अगर सांभर नहीं खाता है तो चटनी देखेंगे, चटनी बना देंगे, बादाम का चटनी सिर्फ। जोया को दे रहे हैं, हेलो हेलो ना, और ये वाला जोया को दे रहे हैं। और वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर जल्दी ही नया वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, ऑल टाइम स्माइल कीजिए, बिंदास रहिए।